बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? यकीनन ठीक ही हो रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, जो बड़े ही मज़े के बनते हैं, और ये आप घर में लाजमी ट्राई करें। चलें रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ मैंने 4 पीस लिए हैं और उनको इस कटिंग में काट लिया। चीनी मैंने अभी बारीक करनी है, तो इसमें जाएंगे तकरीबन 6-7 चम्मच। 2 अंडे, आधी टीस्पून दालचीनी, मलाई और दूध और ऑयल। सबसे पहले हम अंडों को तोड़ के फेंटेंगे। अच्छी तरह इनको फैलना है। चीनी को अच्छी तरह पीस ले। तीन, 4 चम्मच चीनी और साथ में दूध, तकरीबन आधे से भी आधा कप। चीनी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, अब इसको अंडे में डालेंगे। दूध और अंडे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध और दालचीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, अब हम फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे। ब्रेड को अच्छी तरह से इसके अंदर डिप करना है, ताकि सारा अंडा दूध इसके अंदर चला जाए। अगर आपने सॉफ्ट बनाने हैं तो इसी तरह से बनाएं, तो बड़े अच्छे बनेंगे। और खुले बर्तन में बनाएं, ताकि अच्छी तरह से ये अंडे के अंदर डिप हो सके। ये देखें, इसमें अच्छी तरह से दूध अंडा चला गया है। अब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है फ्राई पैन। अब आंच को फुल हल्की करेंगे। जितनी हल्की आंच पे बनेगा, उतना सॉफ्ट और मज़े का बनेगा।
प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इतनी देर में हम दूसरे भी इसमें डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर भी चला जाए दूध और अंडे। आँच मैंने हल्की की हुई है। ये देखे दूसरी तरफ इधर, ये देखे कलर चेंज हो चुका है। मेरे ना टोस्ट बन चुके हैं, अब मैं इसको निकालूंगी। अब इस इनको निकालेंगे। दूसरे ही पाने हल्की आंच में तकरीबन 5 मिनट तक इनको पकाएंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना सही बना है, और चीनी भी सही, नॉर्मल, ना ज़्यादा ना कम।